हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द आर्ट गैलरी। टुडे आई एम बैक विद न्यू पेंटिंग वीडियो। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ भगवान राम का एक बाल्य अवस्था चित्र। आई होप कि आपको पसंद आए। ये ड्राइंग मैं मेन फ्री हैंड मेथड से बनाऊंगी एंड स्टेप बाय स्टेप पूरा बनाऊंगी, तो वीडियो को स्किप करके ना देखें सो दैट आप समझ पाए मैंने कैसे बनाया है इस ड्राइंग को। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर मैं इस ड्राइंग को A5 साइज पेपर पे बना रही हूँ एंड HB पेंसिल से ही बना रही हूँ। आप कोशिश करें आइदर HB या फिर कोई भी लाइटर शेड की जो ग्रेड पेंसिल है, जैसे कि H या 2H पेंसिल हो, आप उससे भी बना सकते हैं, क्योंकि बिफोर आप जब कलर करें आपके लिए वो ईजी होगा कि एक्स्ट्रा ग्राफाइट ना दिखे इरेज करने से पहले। इट विल बी ईजी फॉर यू गाइस, सो यू कैन फॉलो माई स्टेप्स एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो की स्पीड बहुत तेज़ लग रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं एंड मेरी ड्राइंग को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। मैं ऐसे ही नए वीडियोज़ हफ्ते में 3 से 4 ले आती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल और अच्छी लगती है तो मेक श्योर करें एक लाइक कर दें, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें आउटलाइन वीडियो है। इसका सेकंड पार्ट मैं ले आऊँगी नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि कलरिंग वीडियो होगा। मैं इस पर्टिकुलर ड्राइंग को लाइक पेंसिल कलर से बनाऊँगी। आई होप कि आपको पसंद आएगा। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्राइंग्स हैं उसको फ्री हैंड बनाने की कोशिश करें। एक आर्टिस्ट सिर्फ ग्रिड मेथड पे नहीं डिपेंड हो सकता है, उसको फ्री हैंड मेथड भी आना चाहिए, सो दैट कोई भी फ़ोटो हो या कोई भी रेफरेंस हो उसको इजीली बना सके। एट फर्स्ट दोस्तों ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत डिफ़िकल्ट होता है स्टार्टिंग में, बट आप जितना प्रैक्टिस करेंगे अकॉर्डिंगली आपको प्रोपोर्शन समझ में आएगा कि किस पार्ट में कहाँ कैसे बनाना है। तो आप ज़रूर से मेरी ये टिप फॉलो करना दोस्तों, आपको हेल्पफुल होगा इन फ्यूचर। बेसिक शेप से आप स्टार्ट करें, जैसे एक स्क्वायर हो गया या फिर सर्कल्स हो गए, तो जो भी प्रोपोर्शन से ओवरऑल आप स्ट्रक्चर को राइट करें प्रैक्टिस करने के बाद। एंड सेकंड टिप मेरा ये होगा आपके लिए, आप जिस भी लाइक पिक्चर को बनाते हैं उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें, ताकि रेफरेंस पिक्चर में जहाँ जहाँ स्मॉल स्मॉल लाइट हो या कोई भी शेप्स हो, कोई भी डिटेलिंग हो, उसको आप अकॉर्डिंगली फॉलो करें। स्टार्टिंग में दोस्तों सच बताऊँ बहुत गलतियाँ होती हैं, मेरे से अभी भी गलतियाँ होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ दें बीच में। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड द ड्राइंग विच आर ड्राइंग। एक्चुअली मैं ये चीज़ करती हूँ, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, लाइट स्ट्रोक्स रखें एकदम लूजली हैंड, मतलब जैसे जितना लाइट हो सके उतना प्रेशर लगा के आप ड्राइंग को करें, सो दैट जब आप उसको इरेज करें एडजस्ट करें अकॉर्डिंगली, तब आप कलरिंग के पहले ग्राफाइट ना फैले और आपका पेंटिंग ख़राब ना हो। सो ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, आपको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए सो दैट आगे जाके फ्यूचर में आपको ईजी हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे मटेरियल्स हों तभी आप उसको बना सकें। अगर आपके पास नॉर्मल पेपर हो, जो प्रिंटिंग पेपर होते हैं A4 पेपर या फिर न्यूज़पेपर, आप चाहे पेन हो पेंसिल हो किसी भी मीडियम से आप स्टार्ट करें, रोज़ डेली प्रैक्टिस करें, आप देखना आपके प्रोपोर्शंस राइट हो जाएंगे। नाउ प्लीज़ एंजॉय द वीडियो। ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे ज़रूर से बताना मेरी ड्राइंग आपको कैसी लगी, और अगर आपको मेरी ड्राइंग अच्छी एंड हेल्पफुल लगी है एंड मेरे टिप्स आपको पसंद आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिनको ज़रूरत है। फिर मिलते हैं एक नए पेंटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय श्री राम।